हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एज आई प्रॉमिस्ड, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी हाउ डू वी रियली कैप्चर द लॉन्ग ट्रेंड ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी और एनी स्टॉक फॉर दैट मैटर, और उस लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग ट्रेंड में आप कैसे निकालोगे कि शॉर्ट ट्रेंड कैसे डेवलप हो रहे हैं और उनके बेसिस पे आप क्या ट्रेड ले सकते हो। ऐसा तो होता नहीं कि मार्केट एक बार गिरना शुरू करे तो गिरता ही चला जाता है, या वो चढ़ना चले शुरू करे तो ऊपर चलता ही चला जाता है। मार्केट नीचे जाता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर उठता है, ऐसे करके धीरे धीरे नीचे जाता है। तो हम कोई भी मूव को, हर मूव को कैप्चर करना चाहेंगे, चाहे वो नीचे का मूव हो या थोड़ा रिलीफ रैली हो, या थोड़ा फिर लाइक प्रॉफिट बुकिंग हो, या फिर एक थोड़ा सा शॉर्ट क्रिएट्स हो, या फिर जो भी उसमें, क्योंकि बैंक निफ्टी में जब भी छोटे मूव भी आएंगे तो आपको कम से कम 1000-2000 पॉइंट्स मिलेंगे। तो व्हाई टू लीव और मिस ऑल दिस दिस पॉइंट्स, एंड मैं बात करती हूँ, शुरू करते हैं निफ्टी से, बैंक निफ्टी से। सर, सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो ट्रेंड जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है, पहले स्क्रीन पे चलते हैं, जब भी आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए दो पॉइंट्स, मिनिमम आपको दो पॉइंट्स चाहिए। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को जैसे कनेक्ट कर दे, ये जो टॉप पे दो पॉइंट्स है इनको कनेक्ट कर दे, ठीक है। ये दो पॉइंट्स कनेक्ट हो गए, ये एक ट्रेंड लाइन इन्होंने बना दी है। अब इस ट्रेंड लाइन को अब सोच लेते हैं कि हम वी आर एट बैक, यहाँ पे कहीं पे है, इस समय पे है, तो हमको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी यहाँ पे इस समय। इन दोनों पॉइंट्स को लेके एक ट्रेंड लाइन हमको मिल गई, और अब हम नीचे की तरफ भी देखते हैं कि हमको कोई ट्रेंड लाइन मिलती है क्या। अगर हम जैसे इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो हमको एक नीचे की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये एक चैनल हमारा बन गया, जो कि एक ब्रॉडली हमको बता रहा है कि निफ्टी जो है इस चैनल में ही काम करेगी। अब हमको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। मुझे नहीं पता है, अब आपके सामने मिट गया है, ऐसे कोई वैल्यू किसी को याद नहीं रहती है, तो मुझे भी याद नहीं है। मैं आपके सामने ही पूरा एनालिसिस करूंगी, फाइनल मेकअप माई माइंड की कैसे हम ट्रेंड को यूज करेंगे। तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रही हूँ, इन द एक्सट्रापोलेट कर रही हूँ, ठीक है। बट मुझे दो पॉइंट्स मिल गए हैं तो मैं इनको एक्सट्रापोलेट कर रही हूँ, ठीक है। अब हम अपना रिप्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। अब देखिए, आपके पास ये, आपको पता लग गया कि अगर निफ्टी इस ट्रेंड में, इस चैनल में घूमेगी तो एक रेंज बना रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, आई वुड वेट फॉर इट टू कम टू दिस लेवल। यहाँ पे मैं देखूंगी शॉर्टर टाइम फ्रेम में नीचे आता है तो मैं कहीं पे बाय करूंगी फॉर दिस मूव, राइट, विच इज गुड। 18,200 से लेके 18,400, तो 200 पॉइंट्स का रैली यहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है। ये जो चैनल की जो विड्थ है, इट्स अबाउट 17744 से लेके करीब 200-250 पॉइंट्स का ये विड्थ है, ठीक है। तो हमको इसको कैप्चर करना है। अब मैं आपके सामने रिप्ले करूंगी और हम देखेंगे कि क्या होता है इसमें। अब हमने चैनल ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे गिरा है, ओके। ये दिन है 16 दिसंबर का। लेट्स कंटिन्यू एंड वी विल मार्क दिस, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे, हमको पता है कि हमारी ट्रेंड लाइन पे आया है प्राइस, यहाँ से क्या हो सकता है कि एक बाउंस आ सकता है। कितने पॉइंट्स का बाउंस आ सकता है? करीब 200-250 पॉइंट्स का ब्रेक बाउंस आ सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। सी, यहीं पे सपोर्ट लेके निफ्टी इज गोइंग अप। अब हमको क्या करना है, दिस डेट इज, व्हाटएवर डेट इट इज, आई एम गोना गो टू द 5 मिनट्स एंड सी की क्या हो रहा है। सी, यहाँ पे देखो आप, नाउ जो हमारी ट्रेंड लाइन हमने जो बनाई है उस पे आपको क्या देखना है, एक डोजी दिखाई देनी चाहिए। यहाँ एक डोजी बनी और इस तीन तीन कैंडल्स बनी है, इस सपोर्ट लाइन पे 1, 2, 3 कैंडल बनी है, राइट। तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है और 18822 से लेके ये 18400 तक निफ्टी गई है। फिर नेक्स्ट डे फिर गिरी है और सपोर्ट लाइन पे फिर से आई है। आप नोटिस करिए, यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन पे फिर से निफ्टी आई है। 19 तारीख को खुली ही सपोर्ट लाइन पे है, जैसे ही ये अपने हाई को ब्रेक करती है आपको अगेन एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कहाँ से? 18300 से लेके 18380, और इनफैक्ट पूरे दिन जाके इसने क्लोजिंग दी है 18430 पे। तो ये आपको मेजर सपोर्ट मिला है। अब हम फिर से चलते हैं डे टाइम फ्रेम पे।
तो अगेन मैं रिट्रेट करती हूँ कि हमको क्या करना है, हमको दो पॉइंट्स ढूंढने हैं ऐसे जो कि ट्रेंड लाइन को बनाए, और उस ट्रेंड लाइन पे हमको फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखना है कि क्या हो रहा है। अब आगे चलते हैं, तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगेन निफ्टी ने अगेन सपोर्ट लाइन पे आई है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगी। आज जैसे थोड़ा सा ब्रेक किया है तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा यहाँ से बाउंस आएगा और फिर यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी निफ्टी। लेट्स सी, निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे चली गई है, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। एंड इफ आई रिमेम्बर दिस डे इज 23 दिसंबर, सो ऑन दिस पर्टिकुलर डे निफ्टी हैज गॉन। अब आपको हो सकता है कि अपनी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े, क्योंकि ये नहीं है कि ये परमानेंट हो गई या ये प्राइस एक्शन बिल्कुल परमानेंट हो गया, तो ये दोनों दिन आपके नीचे चले गए, बट अगेन क्विकली बाउंस बैक। लेट्स सी, दिस इज अगेन यू नो इट ट्राई टू गो अप एंड अगेन इट केम डाउन। सो सी हियर, हमको ना एक और ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक और ट्रेंड लाइन डेवलप हो गई है। ये यहाँ पे आपको एक और पैरेलल ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, आपको यू हैव टू कीप ऑन ड्रॉइंग, लाइक एक और दो, दो हमको पॉइंट्स मिल गए। यहाँ पे आपको रिवर्सल मिलेगा ऑन द डे ऑफ 6 जनवरी। 6 जनवरी को 5 मिनट में चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो यू हैव टू लाइक एंड ऑफ द डे यू हैव टू वॉक राइट एंड फाइंड आउट वॉट इज हैपनिंग। सो 6 जनवरी ये रही, दिस इज 6 जनवरी, यहाँ पे मार्केट निफ्टी, हाउ डज निफ्टी ओपन, यहाँ पे ओपन होती है निफ्टी कहीं पे इस जगह पे, थोड़ा रिवर्सल लेके और फिर ट्रेंड लाइन पे आती है। ये ट्रेंड लाइन हमको ऑलरेडी मिल चुकी है, कहाँ से हमको मिल चुकी है, पीछे के दो और पॉइंट इसने दिए हैं जहां से ये सपोर्ट लाइन बनी है। राइट, लेट मी जस्ट शो यू कि हमने कहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनाई है। ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई है लो ऑफ 28 नवंबर एंड लो ऑफ 27 दिसंबर को कनेक्ट करके, फिर हमको एक रिवर्सल मिलता है 6 जनवरी को। राइट, और फिर ये मार्केट थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होती है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। नाउ सी हियर, यहाँ पे ये हमारी ट्रेंड लाइन जो है एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, दोजी बन रही है। बिलो दिस वी हैव अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, लेट्स सी। सो जैसे ही लो ब्रेक हुआ, आई विल जस्ट होल्ड इट, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपको एक बहुत जबरदस्त शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और शॉर्ट होके कहाँ तक आया, ये फिर से उसी ट्रेंड लाइन पे टच करने के लिए, 1, 2, 3 दिन वहीं पे टच करने के लिए निफ्टी आई है। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट जनवरी ऑफ 24, 25। अब यहीं पे इसी जगह पे आप देखिए ये कैंडल बनती है, जिससे आपको कि एक सपोर्ट लग रहा है। आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाकर देख सकते हैं कि 5 मिनट में क्या हो रहा है। 5 मिनट में इस जगह पे हमको जो हमारी सेकेंड ट्रेंड लाइन है, एक बार यहाँ सपोर्ट मिला, एक बार यहाँ सपोर्ट मिला और एक बार यहाँ सपोर्ट मिला, और यहाँ जब आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, जैसे यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर खुली और मेजर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके डबल बॉटम बना के उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूव दिया है, तो ये आपका कंफर्मेशन है। रीटेस्ट जब भी होता है आपको एक कंफर्म ट्रेड मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है निफ्टी में। सो यू गेट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू स्टडी द पास्ट प्राइस। सो निफ्टी ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना ट्रेंड को ब्रेक करा है, राइट, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। इसका मतलब कि हमारा ट्रेड कम बनेगा, आई वुड जस्ट लाइक टू कमेंट अपॉन दैट कि हमारा ट्रेड कम बनेगा। अगर ये निफ्टी ने ब्रेक करा है और ऊपर जाके नीचे आके रीटेस्ट करे निफ्टी, तब हमको एक बाय की एंट्री मिलेगी। राइट, व्हाट आई रियली मीन टू से हियर कि अगर ये ब्रेक किया है ट्रेंड को, नीचे आए और फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ब्रेक करे दोबारा से अपने हाई को, देन आई वुड से कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ब्रेक करके रीटेस्ट करने आए सपोर्ट को, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो इसने नहीं किया और रादर इट हैज कम डाउन, सो इट गेव अ ब्रेक बट रीटेस्ट में फेल हो गया एंड अगेन इट केम इन टू द चैनल। ओके, नाउ इट इज गिविंग अ सपोर्ट, नाउ इट इज गिविंग अ सपोर्ट। निफ्टी जो है, अगर आप ब्रॉडली देखते हैं तो वॉट इज हैपनिंग इन निफ्टी, निफ्टी इज ट्राइंग टू मेक अ डबल बॉटम।
एक बॉटम ये बना, दूसरा बॉटम अगर कंप्लीट हो जाता है और प्राइस इस ट्रेंड को ब्रेक कर देता है, ठीक है, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके रीटेस्ट करके ऊपर अगर दोबारा से जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी निफ्टी में एक अच्छा बाउंस। कब एक्सपेक्ट करूंगी, लेट्स टॉक अबाउट द टाइम। तो टाइम देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कैसे आप डिस्कस करोगे टाइम को वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि टाइम साइकिल कैसे काम करती है। हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी के रिवर्सल की, कि निफ्टी में रिवर्सल कब आएगा। अगर हम बात करें दिनों की, तो अप्रैल में जाके, अगर आप ये अप्रैल पे मैं आती हूँ तो ये अप्रैल है, अप्रैल में जाके कहीं पे 3 अप्रैल को हो सकता है कि ट्रेंड ब्रेकआउट आए। अगर ये डबल बॉटम ऑनर हो जाता है, अगेन आई एम टेलिंग यू प्लीज माइंड माई वर्ड्स एंड डोंट फोर्ट मी, बिकॉज अगर मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। अप्रैल 3 को राइट इस जगह पे, बिकॉज एक कैंडल यहाँ एक कैंडल यहाँ, अभी बीच में हमारे पास ट्यूसडे की कैंडल आएगी, वेंसडे की कैंडल आएगी और थर्सडे फ्राइडे छुट्टी है, थर्सडे छुट्टी है, फ्राइडे की कैंडल आएगी। अगर मंडे को राइट, अगर यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट आता है, इट निफ्टी गोज अबव 17,200, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग लेस देन दिस टारगेट राइट, विच इज 17,700, 17,800 और सो। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ टारगेट राइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। यू कैन जस्ट मार्क द स्पेस फॉर द कैंडल, और यू कैन यूज द टाइम कैलकुलेटर फ्रॉम हियर एंड मार्क दैट पीरियड फॉर 5-6 days, जब तक हमारे पास मार्केट खुला है। यहाँ पे आपको मुझे लगता है ब्रेकआउट, अगर ये डबल बॉटम कंप्लीट हो जाता है तो एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा निफ्टी में, और कहाँ तक जाएगा ये 17,700 और 17,800 के बीच में मुझे लगता है मार्च में एक्सपायरी होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट इज गोना गो स्ट्रेट, इट मे गो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन लाइक दैट, और यहाँ पे जहाँ पे ये ओपन इक्वल टू हाई कर तो बनी, यहाँ तक आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है। होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ कि हमको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, हमको कैसे मेजर रिवर्सल्स निकालने हैं, और वही बात हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में। हम सबसे पहले ऊपर का ट्रेंड मार्क कर लेते हैं राइट, हमको 2 पॉइंट तो यही मिल गए हैं, बट हम थोड़े से गैप पे 2 पॉइंट्स लेंगे तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे कुछ कुछ कमेंट लिखेंगे कि आफ्टर द मार्केट आर एनीथिंग इज पॉसिबल, तो सीख लो भाई, मैं कोई ये थोड़ी कह रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं ना आपको कोई ट्रेड दे रही हूँ ना मैं आपको कुछ बता रही हूँ, मैं तो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको नहीं बहुत लगता है कोई बात नहीं है, दैट्स ओके है ना, बट मैं तो अपनी तरफ से करूंगी ना, कोशिश करूंगी कि जिस पर्पज से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है वो पर्पज कंटिन्यू रहे। अब हम इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं नीचे तक, ठीक है। अब देखते हैं हमको रिवर्सल ट्रेड्स मिलते हैं क्या, और ये जो मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ ये रिवर्सल ट्रेड्स के बारे में बोल रही हूँ। सो नाउ क्या होगा, जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, आपको केयरफुल लाइक यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू बी यू नो अलर्ट। अब हम देखते हैं कि इस दिन 5 मिनट में क्या हुआ, इस दिन नीचे गया प्राइस और डबल बॉटम लगाया, डबल बॉटम लगा के यहाँ पे क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दी है। आपको वेट करना है नेक्स्ट डे ओपन इक्वल, देखिए नेक्स्ट डे बहुत बढ़िया पैटर्न बना था, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो मार्केट डेफिनेटली, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल का मतलब है कि देर आर ओनली सेलर्स, अगर बुल्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि इस कैंडल को यू नो टेकआउट कर देते हैं, इसको इससे बाहर इसको ओवरराइड कर देते हैं, बियर्स को ओवरराइड कर देते हैं, तो हमको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो यहाँ से देखिए 14,425 यहाँ से लेके और यहाँ तक हमको बहुत बढ़िया रैली मिली है, उसके बाद प्राइस जाके स्टेबल हुआ है, दो चीज बनी है और फिर ब्रेकआउट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ है। तो हमें कितने पॉइंट्स मिले यहाँ से, 42,430 से लेके 42,675, ऑलमोस्ट लाइक 230 पॉइंट्स मिले हैं। और अगर आप ऑप्शंस में बात करेंगे तो ये दिन है 9 जनवरी का, 9th वाज अ मंडे, सो 9th वाज अ मंडे, बट एनीवे अगर आपको ये जानना है कि आपको इस तरह का अगर कोई ट्रेड मिलता है तो कितने पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रहना चाहिए, अगर आपको ऑप्शंस में जानना है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन दैट। ओके, और मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना पसंद करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और क्यों करना पसंद करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम चलते हैं फिर से वापस बैक 1 डे में और देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक हमने यहाँ पे देखिए ये मेजर ट्रेंड इसका डाउन है,
इस मेजर ट्रेंड में आपको थोड़ा सा बुलिश भी मिलेगा, फिर बेरिश मिलेगा, फिर बुलिश मिलेगा, फिर बेरिश मिलेगा, फिर बुलिश, लाइक दैट। ये मेजरली डाउन ट्रेंड है इसका जो मेन ट्रेंड है। अब यहाँ देखिए, 1, 2, 3 इस ये जगह एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 40-42,000 जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे इसने 1, 2, 3, 4, 5 दिन रेस्ट किया है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है। इसका मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बैरियर है यहाँ पे कहीं पे, इस जगह के ये जगह पे है, राइट। दिस इज 42,676 कैन बी अ टारगेट। लेट्स सी अगर, मतलब आपको देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के आपको एंट्री लेनी है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। हम देख रहे हैं कि ये सपोर्ट लाइन पे है, दिस इज ऑन सपोर्ट लाइन, और ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इस लाइन को धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप इसमें एक बाय क्रिएट कर सकते हैं अबव 42,000। जब ये बैरियर्स खत्म होते हैं आप यहाँ पे बाय क्रिएट कर सकते हैं, राइट, और आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। सो ये लेवल 42,000 का एक बहुत ही अहम लेवल है। अब देखिए यहाँ से जाके इस 42,000 से जब ये ब्रेकआउट देता है तो 42,000 से लेके 43,000 तक, मतलब 800 पॉइंट का मूव आपको स्ट्रेट अप मिलता है। और अगेन जब आप यहाँ पहुंचते हैं, आई एम जस्ट वॉन्टिंग टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर, अगर आप यहाँ पे पहुंचते हैं इस दिन पे है, आपको केयरफुल हो जाना है बिकॉज यहाँ दोजी फॉर्म हो रही है एट अ रेसिस्टेंस जोन। अब हम देखते हैं इस दिन क्या होता है, 5 मिनट में देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ 5 मिनट में आप देखिए, दिस वॉज अ वेरी वेरी क्लियर रेसिस्टेंस। अगर आप नोटिस करते हैं तो इस दिन बहुत क्लियर रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पे और रेजिस्टेंस लाइन पे लगा है। आपको वेट करना है फॉर इट टू ब्रेक बिलो एंड यू कैन शॉर्ट। वंस यू सेल इट यू सी द ड्रॉप, इट्स अ मैसिव मैसिव ड्रॉप। ओके, सो दैट वाज अ वार्निंग यू नो यू हैव गॉट ऑन दिस दोजी डे व्हिच इज फॉर्मिंग एट द रेजिस्टेंस लाइन, एंड देन व्हेनेवर यू सी अ प्राइस एक्शन यू कैन गो फॉर अ सेल। And look at what a beautiful drop. Then let's see what happens next. Because ये momentum इतना ज्यादा था कि ये trend line break हुई है और massively break हुई है और हम इसको modify नहीं कर रहे हैं। We'll still continue this as a main line. आपको यहाँ पे देखिए sign मिलेंगे, यहाँ पे reversal sign मिलेंगे। Price goes horizontal. You can consider this as a very very strong candle which पास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है। यहाँ से आप इस कैंडल से आपको एक एंट्री मिलेगी। लेट्स सी, तो इट डिडंट रियली ट्रिगर। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस जोन है तो फिर से दोबारा नीचे आई और सेम सपोर्ट लेवल पे आ रही है। बैंक निफ्टी जो है फिर से सपोर्ट लेवल पे आई है। अब आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक ब्रेकआउट जो आया था वो फिर ट्रेंड लाइन तक गया है, क्वाइट अलॉट ट्रेंड लाइन तक गया है और फिर नीचे की तरफ मूव आया है। और उसके बाद फिर एक जबरदस्त ड्रॉप आया है और ट्रेंड लाइन आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो अभी भी एक रेसिस्टेंस लगा है बैंक निफ्टी को, कल भी एक ट्रेंड लाइन से रेसिस्टेंस, मतलब 2 दिन पहले भी ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस लगा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे ऑफ ट्रेडिंग इज यूजिंग द ट्रेंड लाइन। आपको वहां पे अगर रिवर्सल साइन मिलते हैं, बना के रखिए अपने प्लेटफॉर्म पे। आपके पास अगर प्लेटफॉर्म पे बना होगा रिवर्सल द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस जोन, यू विल बी एबल टू मेक गुड एंट्रीज। नाउ अब मुझे क्या दिखता है, मैं अभी तक तो हम पास्ट की बात कर रहे थे, अब मैं फ्यूचर की बात करती हूँ, ठीक है। मुझे क्या दिखता है, जैसे निफ्टी में दिख रहा था वैसे ही यहाँ दिख रहा है मुझे एक डबल बॉटम बनता हुआ और एक ट्राइंगुलर रीजन रीजन बनता हुआ दिख रहा है। प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हायर लोज बन रहे हैं और देर सीम्स टू बी सम पॉजिटिव मूव दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मेरा कब मुझे लगता है कि ये कंफर्म हो जाएगा कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, अगर ये क्लोजिंग 40,380 के ऊपर देती है, अगर ये 40,400 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर क्लोजिंग आपको देती है तो आप 41,200 के टारगेट अप्रैल मंथ में देख सकते हैं। और अगर 41,100-200 को अगर क्रॉस कर देती है बैंक निफ्टी, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 42,000 का भी देखने को मिल सकता है। ओके,
तो ये दिस इज सिंपली फॉलोइंग द ट्रेंड लाइंस और कुछ नहीं है, आपको केवल सिंपल ट्रेंड लाइंस को फॉलो करना है और अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के यू हैव टू ट्रेड। होप दिस मेक्स सेंस। हर बार आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हर ट्रेड आपको मिलेगा यहाँ पे, बट मेजर आपको काफी बड़े बड़े ट्रेंड्स कैप्चर होंगे। देखो अगर आप नोटिस करते हो यहाँ पे, अगर आपने ये तो हमने ट्रेंड डिसाइड किया राइट, एक यहाँ से अगर हमको ट्रेंड मिलता है तो अच्छा खासा मूव मिला, नेक्स्ट टाइम यहाँ से ड्रॉप हुआ एंड वी गॉट अ गुड ट्रेंड, नेक्स्ट अगर हम यहाँ से बाय के ट्रेंड को कैप्चर करते हैं तो हमें अच्छा खासा मूव मिलता है, इसी तरह यहाँ पे अगर हम बाय के ट्रेंड को कैप्चर करते हैं तो हमको अच्छा खासा मूव मिलता है। तो अच्छे खासे ट्रेंड मिलते हैं बट जरूरी नहीं कि हर बार मिलेंगे। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होने से आप केयरफुल रहेंगे, आप हर लाइक यू विल नॉट बी ऑन द राइट रॉन्ग साइड, मतलब अगर आपको यहाँ पता है कि रेजिस्टेंस लग रहा है तो आप बाय करके नहीं बैठेंगे। तो इतना मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का। होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट देन गिव अ थम्स अप, शेयर इट विद अदर्स एंड एनकरेज स्टॉक प्रो टीम एंड डू ज्वाइन मी ऑन माय लाइव ट्रेडिंग एवरीडे फ्रॉम 10 टू 11। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।